जी में कैसे गुण थे। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदु पूर्वम च भाषते उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। हमारे राम जी प्रशांत आत्मा है, प्रकृष्ट रूप से शांत है। जो प्रशांत होता है उसका लक्षण क्या है, आप देखेंगे बहुत से लोग पांडाल में बैठकर खंभा गिनते रहते हैं कितने खंभे लगे हैं। बहुत से लोग बैठकर के पांव हिलाते रहेंगे, बहुत से लोगों को देखेंगे लेकर के वो सिर खुजलाते रहे, ऐसा होता है कि नहीं। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति भीतर से अशांत है। जो शांत होता है उसमें ये सब कुचेष्टाएं दिखाई नहीं देती हैं। हमारे राम जी प्रशांत हैं, मृदु पूर्वम च भाषते, हमारे राम जी मीठा बोलते हैं। उच्च मानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते, राम जी किसी का उत्तर भी देते हैं तो बहुत धीरे से बोल करके देते हैं। कोई उच्च स्वर में बोल भी दे तो राम जी उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। राम जी में ऐसे गुण थे। देखिए, श्रेष्ठ पुरुष बनना है, महापुरुष बनना है तो हमारे भीतर कौन से गुण होने चाहिए। कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। कोई राम जी का एक उपकार कर दे तो राम जी जीवन भर याद रखते थे, और कोई सौ अपकार कर दे तो राम जी तुरंत भूल जाते थे। और हम लोग क्या करते हैं, कोई सौ उपकार कर दे हम तुरंत भूल जाते हैं। अच्छा आप बताएं, माता पिता से भी बढ़कर कोई उपकार करने वाला मिलेगा क्या? मिलेगा। 9 महीने कोख में मां हमें धारण करती है, मृत्यु तुल्य कष्ट सह करके पैदा करती है। कहा जाता है कि स्त्री जब बालक को जन्म देती है तो मृत्यु के तट को छू करके लौटती है, इतनी पीड़ा होती है प्रसव पीड़ा। एक पिता जीवन भर चप्पल घिस घिस करके खिलाता पिलाता और पालन पोषण करता है, मां गोद में उठाती है, पिता कंधे पर उठाता है। आप विचार करो, इतना बड़ा जिसने उपकार किया, जिसने अपना जीवन देकर आपको जीवन दिया और आपको इस धरती पर जो ले करके आए, और बालक जब ऐसे माता पिता को भी भूल जाएं और उनके प्रति भी कृतघ्नता करें तो उनसे बढ़कर कृतघ्न कौन हो सकता है।